मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी व भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस खेत में अपना उड़न खटोला उतारा उस किसान से न अनुमति ली न ही जानकारी दी। फसल के लिए तैयार खेत में मुरम गिट्टी बिछाकर खेत को भी बर्बाद किया। किसान की पीड़ा को लेकर मुरैना कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश मावई जी के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन शिवराज जी एवं सिंधिया जी की तानाशाही के चलते पुलिस प्रशासन ने राकेश मावई जी को हिरासत में लेकर अम्बाह जेल में बंद किया। जहाँ के जो पूर्व विधायक है उनको बेचा और खरीदा है, बेच बेच के गए, आज वो चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लोग हैं, लेकिन मुरैना की जनता और चंबल की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करती है कि कोई उनके साथ गद्दारी करे और फिर मैदान में आए उसको समर्थन मिले। यहाँ मुरैना की और चंबल की जनता उनको हरा के भेजाएगी, पहुंचाएगी, और निश्चित तौर पर शिवराज और सिंधिया के मुंह पे एक तमाचा होगा। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे चंबल संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लोकतंत्र प्रजातंत्र को बेचने का कार्य किया है, उसी को लेकर हमारा आज विरोध प्रकट है। और 12 तारीख को सिंधिया जब मुरैना आएंगे, शिवराज सिंधिया, हमारा मुरैना में भी हमारा विरोध प्रकट होगा और हम उनको काले झंडे मुरैना में भी दिखाएंगे। आज जब हम एयरपोर्ट उनके हवाई हेलीपैड की तरफ गए तो बीच रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगा के और आड़ी बस लगा के हम लोगों को लाठी चार्ज करके और हमें जबरदस्ती पकड़ के और बसों में घुसीट कर और हमें अम्बा थाने में बंद कर दिया गया है। हमें 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पर और हम सारे के सारे लोग भूखे प्यासे सब पड़े हुए हैं, लेकिन इस रवैये से, इस उनकी हटलरसाई से हम झुकने वाले नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा और अंतिम क्षण तक जारी रहेगा, और जब तक रहेगा तब तक जिस प्रकार से इन्होंने चुनी ही सरकार को गिराने का काम किया है, उसी प्रकार से ये जनता इस शिवराज सरकार को गिराएगी और पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनकर आदरणीय हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और इस अंचल का विकास होगा, क्षेत्र का विकास हो और संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास होगा। यही हमारा प्रण है और यही हमारा आज इस प्रकार से जो हमने आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है, इन्हीं बातों को लेकर किया है कि ग्वालियर और हमारे चंबल की जनता उनको कतई माफ नहीं करेगी। निश्चित तौर पर किसानों के साथ अत्याचार होगा। 2018 में, 2017 में किसानों के साथ लाठी चार्ज हुआ। 18 में मंदसौर में हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ मंदसौर पहुंचे थे और आदरणीय कमलनाथ जी ने वहाँ पे उसका अगवानी की थी और उस लड़ाई को लड़ा था। और आज हमारे मुरैना के किसान पर अत्याचार हो रहा है, जिला कांग्रेस, संपूर्ण कांग्रेस हमारे उसकी लड़ाई को लड़ेगी और अंतिम क्षण तक लड़ेगी। जय जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। देखो मन पूरा ठीक।